आज की कहानी का शीर्षक है सेट क्लियर एंड कंपेलिंग गोल्स। ये कहानी एक वुमेन स्विमर के ऊपर आधारित है जिनका नाम था फ्लोरेंस। 4 जून 1962 को फ्लोरेंस कैटलिना चैनल क्रॉस करने के लिए स्विम कर रही थी। इससे पहले वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर चुकी थी। वो उस दिन मौसम बहुत खराब था। स्विम करने के दौरान उनकी मदर भी एक बराबर में एक दूसरी बोट पे उनके साथ थी। आगे आगे जैसे बढ़ते जा रही थी मौसम खराब होता जा रहा था। 15 घंटे की स्विमिंग के बाद उन्होंने देखा कि अचानक मौसम बहुत खराब हो गया, बहुत गहरी फॉग आ गई। और वो सिर्फ फॉग से ही नहीं लड़ रही थी, बहुत ठंड थी, पानी बहुत ठंडा था और पानी में कुछ शार्क्स भी हो सकती थी। तो जो उनके बराबर की बोट्स थी वो उनको शार्क से बचाने के लिए भी थी। तो 15 घंटे की लगातार स्विमिंग के बाद जब जब फ्लोरेंस ने ऊपर उठा के सर देखा तब तक उन्हें शोर नहीं दिखाई दिया, अपना किनारा, अपनी मंजिल नहीं दिखाई दी। और वो कोशिश करती रही और कुछ देर और कुछ देर और कुछ देर। काफ़ी प्रयास के बाद भी जब उन्हें शोर या अपना गोल पोस्ट नहीं दिखाई दी तो अल्टीमेटली उन्होंने अपनी मदर से कहा, आई कांट स्विम एनी मोर, आई वॉन्ट टू गिव अप, दैट्स इट फॉर द डे। और उनकी मदर के मोटिवेट करने के बाद भी उन्होंने कहा, नहीं बस आज इतना ही, और उन्होंने गिव अप कर दिया। जब वो गिव अप करने के बाद बाहर पहुंची शोर पे पहुंची तो उन्हें जान के बड़ा दुख हुआ कि वो अपनी मंजिल से, अपने टारगेट से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पे थी। उस इवेंट के बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा, आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, इफ ओनली आई हैड सीन द लैंड आई वुड नॉट हैव गिवन अप, इफ आई वुड हैव नोन दैट आई एम ओनली हाफ किलोमीटर अवे फ्रॉम माई टारगेट कम व्हाट मे आई वुड नॉट हैव गिवन अप, आई वुड हैव कंप्लीटेड दिस स्विम एट एनी कॉस्ट। तो इस कहानी से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट्स इस कहानी से सीख सकते हैं कि हरदम एक निगाह, एक आंख अपनी हरदम गोल और टारगेट के ऊपर रखो। मैंने पहले भी आपसे कई बार एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर किया। एक बार मैं जेई के टॉपर के से इंटरव्यू करने गया, एक छोटे से गाँव का था और उसने जेई टॉप किया था। मैं बड़ा सरप्राइज और हैरान था कि कैसे कोई बच्चा एक ऐसे परिवार से आके कंपीट करने की बात, सिलेक्शन की बात छोड़िए, टॉप कर सकता है। मैंने जब उस स्टूडेंट से पूछा, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस, उसने अपने स्टडी टेबल के ऊपर एक व्हाइट चार्ट दिखाया और उस व्हाइट चार्ट के ऊपर लिखा हुआ था टारगेट आईटी जेई रैंक 1 to 10। और उसने कहा, सर ये यही गोल है, ये यही गोल पोस्ट है, व्हेनेवर आई सी दिस गोल पोस्ट दिस मेक्स मी बिलीव दैट वन आई कैन डू इट। ही सेड दैट दिस टारगेट रिटन इन बोल्ड मेड हिम बिलीव दैट ही कैन डू इट। वंस द बिलीफ बिकेम स्ट्रॉन्गर इट स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्शंस लेड टू रिजल्ट व्हिच फर्दर स्ट्रेंथन द बिलीफ। सो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, सबसे पहली बात है कि हमें अपने टारगेट्स के ऊपर, गोल्स के ऊपर निरंतर निगाह रखनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए टारगेट्स और गोल्स में, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात पे हम आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मैं मिलता हूँ उनके टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, क्योंकि गोल्स और टारगेट बनाना आसान होता है, पर बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लान नहीं होती। तो जब तक आपके पास प्लान नहीं है तब तक आपके उस टारगेट का कोई मायना या कोई मकसद नहीं है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हरदम अगर अपने गोल पे फोकस रखेंगे, अपने टारगेट पे फोकस रखेंगे तो छोटी मोटी समस्याएं, वो जो फॉग है या जो शार्क्स है या जो ठंड है, चिलचिलाता हुआ ठंडा पानी है, वो आपको महसूस नहीं होगा, वो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। और जब जब आप इन पे फोकस करेंगे तब तक आपको अपना गोल नहीं दिखाई देगा। तो अंत में मैं सिर्फ यही आपसे कहना चाहूँगा, लक्ष्य ना ओझल होने पाए आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स टॉपर स्टडी हैक विच इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड जेईई एंड नीट एंड सक्सेस ब्लू प्रिंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, SSC, रेलवे एंड डिफेंस। Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।